अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है। मुंबई के कपूर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं kaushalmarathi.com के 7 न्यूज। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन उसके बाद वह उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी माँ और दो बहनों को छोड़कर गए हैं। कपूर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के शव को सुबह उनके परिजन ही कपूर अस्पताल ले गए थे। कपूर अस्पताल में ही सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के विजेता रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2008 में वह बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया। साल 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वह दिखाई दिए। इसी साल 2021 में उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज आई थी जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर अभिनेता एवं सांसद रवि किशन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बहुत दुखद खबर, सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था, उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ, तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया और ये सुबह, ये पता नहीं ये कैसी सुबह हुई कि आज ये खबर आई, और बहुत 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 दुखद ये है। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, निःशब्द हूं। हेल्थ फ्रीक गाय, शरीर से प्यार करने वाले, कसरत रोज करने वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वाइट शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी ट्वीट कर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कपिल शर्मा ने ट्वीट किया कि सिद्धार्थ के निधन की खबर हैरान करने वाली है, उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना। डायरेक्टर फराह खान ने भी ट्वीट कर लिखा कि क्या ये साल इससे भी बुरा हो सकता है, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर हैरान करने वाली है। कौशलमार्टी न्यूज नेटवर्क परिवार के तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक निधन पर भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति मिले। मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmarathi.com